तो लास्ट लेक्चर में हमने मोल की डेफिनेशन देखी थी थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में और साइंटिफिक डेफिनेशन में। तब उसके बेस पे और क्वेश्चंस मैंने पहले भी प्रैक्टिस कराए हैं, फिर से मैं एक क्वेश्चन देके प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। फाइंड नंबर ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन 12 ग्राम, है ना, इन 0.6 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, तो 0.6 ग्राम ऑफ कार्बन गिवेन है हमें, तो उसमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, नंबर निकालना है बेटा, और उसमें इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी निकालने हैं हमें। ठीक है, तो देखो भाई कार्बन का बेटा मैं बता दूं, ये जो गिवेन है ये इसका है एटॉमिक नंबर और ये है इसका एटॉमिक मास या एटॉमिक दर, है ना, वेट। एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसके ही बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। एटॉमिक नंबर जो है जिसमें कितने प्रोटॉन्स हैं उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। इसको कभी कभी जेड से भी डिनोट करते हैं बेटा। और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इक्वल होते हैं बेटा, क्यों, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए, टोटल चार्ज एटम पे जीरो होता है, तो जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव भी होने चाहिए, तभी तो टोटल चार्ज जीरो होगा बेटा। और जितने प्रोटॉन्स होते हैं बेटा उतने ही न्यूट्रॉन्स भी हो जाते हैं। क्लियर है, तो देखो भाई पहले तो निकाल लेंगे कितने मोल्स हैं कार्बन के। तो बताओ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला, एन इज इक्वल टू वेट गिवेन है, तो वेट गिवेन अपॉन एटॉमिक वेट, वेट गिवन अपॉन एटॉमिक वेट। वेट गिवन कितना है, 0.6। एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट कितना है भाई इसका, देखो कार्बन का दे रखा है 12, एक कार्बन का होता है 12 ग्राम, तो 12। ठीक है भाई, तो यहाँ से हमने ये पॉइंट हटाया तो इनटू 10 किया तो 6 1/2, है ना, 1/20 या 0.05 मोल एटम्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो 0.05 मोल एटम्स ऑफ कार्बन। 0.05 मोल को हम क्या लिख सकते हैं, 0.05 मोल को हम 0.05 Na भी लिख सकते हैं, या 0.05 × 6 × 10^23 एटम्स लिख सकते हैं। क्लियर है मैडम? ठीक है, तो हम इस चीज़ को ये लिख सकते हैं। ठीक है, पर इजी क्या पड़ता है हमें, यही है, तो हम इसी को यूज़ करते हैं। तो मेरे पास 0.06 ग्राम है, 0.6 ग्राम में 0.05 Na एटम्स हैं, किसके, कार्बन के। तो नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया भाई, नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए कार्बन में, 0.05। तो 0.05 Na एटम्स हैं मेरे पास, 0.6 ग्राम कार्बन में 0.05 Na एटम्स हैं, ये नंबर हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बताओ भाई, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की स्टोरी क्या है बेटा, कि एक कार्बन के एटम में 6 प्रोटॉन है, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है। ठीक है, एक कार्बन के एटम में 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है। मेरे पास कितने कार्बन एटम है, 0.05 Na कार्बन एटम्स हैं, तो उसमें कितने हो जाएंगे, 6 × 0.05 Na, क्या पहले पूछा है, इलेक्ट्रॉन्स, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। फिर प्रोटॉन्स पूछा है तो 6 × 0.05 Na प्रोटॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर न्यूट्रॉन्स पूछा है तो 6 × 0.05 Na न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, बस ये सारे आंसर्स हो जाएंगे बेटा, समझ में आया बेटा? तो एक एटम में कितना है वो हमें इससे पता चल जाएगा, या मैंने तुम्हें बोला ही था कि हमें 1 to 30 जो है बेटा, एटॉमिक नंबर 1 to 30, अभी पीरियोडिक टेबल आएगा मैं उसमें उसको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होगा, नहीं तो तब तक जो जो मैं बताता जा रहा हूँ एटम्स का, आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद रखना है। हाइड्रोजन का 1 ग्राम है, कार्बन का 12 ग्राम है, नाइट्रोजन का 14 ग्राम है, ऑक्सीजन का 16 ग्राम है। ठीक है, ये सब डिस्कस कर चुके हैं, बार बार आए भी हैं। कार्बन CO2 का मास 44 ग्राम होता है, ऐसे करके थोड़ा ध्यान रखते जाओ बेटा। क्लियर है, तो ये एक क्वेश्चन हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है सर, पॉज कर दो।
ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा, तो किसके पास, देखो सबका वेट दिया हुआ है, किसके पास सबसे ज्यादा एटम्स हैं, एटम्स सबसे ज्यादा मतलब काउंट करना है हमें किस में, मोल्स में, केमिस्ट्री में तो मोल्स में ही काउंट कर सकते हैं, हमने देखा था। देखो 27 ग्राम एल्यूमिनियम दिया हुआ है बेटा, तो इसके हम मोल्स निकाल लेते हैं। 27 ग्राम एल्यूमिनियम के मोल्स कैसे निकालेंगे बेटा, वेट गिवन अपॉन एटॉमिक वेट, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट भी 27 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है ना, याद करते जाओ मैंने बराबर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये तो हो गया 27 अपॉन 27, मतलब कि Na लिख दूँ, सिर्फ Na एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम, आप समझ आ जाएगा, Na मतलब वन मोल एटम्स। सेकेंड 24 ग्राम कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक नंबर हम नीचे लिखते हैं, मास हम ऊपर लिखते हैं, तो इसके कितने मोल्स हो गए बेटा, 24 ग्राम तो वेट गिवन हो गया, और इसका एटॉमिक मास कितना हुआ, 12 ग्राम, तो ये हो गया 2 Na एटम्स ऑफ कार्बन। आयरन के लिए, आयरन का एटॉमिक वेट होता है बेटा 56 ही होता है, तो इसके कितने मोल्स हो गए, 56 अपॉन 56 कितने हो गए, 1 Na या 1 मोल Fe एटम्स, ठीक है। और हमारे पास क्या है, सिल्वर बेटा, तो सिल्वर देखो 1.8, ठीक है, तो ये 1.8 नहीं है, इसको कर लो 1.08 ग्राम, ठीक है सॉरी, तो इसका एटॉमिक मास होता है बेटा 108, तो इसके कितने मोल्स हो जाएंगे, 1.08 अपॉन 108, तो कितना होगा देखो, ये हटाएंगे तो 100, 1/100 मतलब 0.01 Na, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम, तो देखो सिल्वर के कितने हैं बेटा, सिल्वर के हमारे पास हैं 0.01 Na, ठीक है, और कार्बन के हैं हमारे पास 2 Na कार्बन के, आयरन के कितने हैं बेटा, आयरन का ये देखो भाई, आयरन के हैं 1 Na, और क्या बचा हमारे पास, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के भी हैं हमारे पास 1 Na, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा किसके हैं भाई, मैक्सिमम हमारे पास किसके हैं, 2 Na ऑफ कार्बन, टू मोल्स, ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पे एटम्स ही दिए थे, यहाँ हमें मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, मॉलिक्यूल है ना, परमाणु, मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, तो इसका देखो हमें क्या पता होना चाहिए, परमाणवीय दर, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो 16 ग्राम हाइड्रोजन है, तो 16 ग्राम इसके मोल्स निकालेंगे, तो n इज इक्वल टू 16, वेट गिवन अपॉन, इसका मॉलिक्यूलर वेट 2 होता है, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो ये ठीक है, तो कितने हो गया, 8 Na, 8 Na H2 मॉलिक्यूल्स, पर पूछा क्या है, एटम्स पूछा है, तो इसको एटम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं, तो 8, तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, तो 10 में कितने होंगे, 20, 100 में कितने होंगे बेटा, 200, और 1 Na 1 मोल में कितने होंगे, 2 Na, तो 8 मोल में कितने होंगे, इनटू 2, दैट इज 16 Na H एटम्स, 16 Na हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितने हैं उसमें, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितने हैं उसमें, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है 8 Na, और उसमें एटम्स कितने होंगे, 16। ऐसे ही नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है हमारे पास 132 ग्राम ऑफ CO2, तो N इज इक्वल टू 132 अपॉन 44 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 3 टाइम्स जाएगा रफली, तो 3 Na CO2 मॉलिक्यूल्स इनटू 3, ठीक है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें हमारे पास 9 Na एटम्स होंगे, 9 Na एटम्स ऑफ CO2 है ना, 9 Na एटम्स, ठीक है, क्योंकि एक CO2 मॉलिक्यूल में 3 एटम्स होते हैं, एक कार्बन के 2 ऑक्सीजन के, तो 10 में कितने होंगे, 30, 100 में 300, 1 मोल में 3 Na, और 3 Na में 9 Na एटम्स, ठीक है भाई। 96 ग्राम ऑफ ओजोन है, तो 96 ग्राम ऑफ ओजोन देखो भाई, ओजोन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा बेटा, 96 तो गिवन है हमें, ओजोन का मॉलिक्यूलर 16, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है, तो 3 ऑक्सीजन है तो 48 हो जाएगा, ठीक है, तो ये कितने टाइम्स जाएगा, ऑब्वियसली 2 Na, तो 2 Na ओजोन मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, पर पूछा क्या है हमें, एटम्स का नंबर पूछा है, तो एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं, तो 10 मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, 20, 100 में 300, 1 Na में 3 Na, और 2 Na में इनटू 3, तो 6 Na,
ऑक्सीजन एटम्स है ना, या सिक्स एनए एटम्स, सिंपल सिक्स एनए एटम्स, ओजोन में एनए, इसमें नाइन, इसमें 16, तो लास्ट है 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 1.6 ग्राम में 1/6/32 करना पड़ेगा, ये हटाएंगे तो इनटू 10 होगा, ठीक है, तो 1/2, ये 1 से 2 टाइम्स आएगा, 1/20, मतलब कि 0.05 Na O2 मॉलिक्यूल्स, और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, 2, तो इनटू 2 कर देंगे, 0.0 तो 0.1 हो जाएगा भाई, 0.1 Na, तो किसके पास मैक्सिमम है, देखो भाई मैक्सिमम किसके पास है बेटा, एटम्स सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन के पास, ये ठीक है भाई, तो ऐसे ये वाले क्वेश्चंस होते हैं सिंपली, है ना, हमें सिर्फ जो गिवन है उसे नंबर ऑफ मोल्स निकालो और उसको चेक कर लो बेटा, ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं, मोल्स की डेफिनेशन देखिए सिंपल टर्म्स में क्या मतलब है, डजन्स को 12 को डजन है तो केमिस्ट्री में काउंट करने के लिए हम मोल्स यूज़ करते हैं, ये सिंपल हो गई, साइंटिफिक में कितने एटम्स होंगे जितने 12 ग्राम कार्बन में होंगे, 6 × 10^23, ओके, उसके बेस पे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करा चुका हूँ अभी और आगे अभी बहुत सारे करने हमें बाकी हैं, देखो भाई इसको नोट करो।